हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ रोहित, रोहित एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड आज की वीडियो बनाने वाले मिनी टेबल फैन। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर देना। मिनी टेबल फैन बनाएंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आप देखते हैं ये हमारा जो फर्राटा पंखा होता है उसके अंदर का फ्रेंड बेकार था, मेरे को 10 रुपये ने दिया कबाड़ी वाले ने। और फ्रेंड ये जैसे कि आप देखते हैं ये मोटर हमारे पे 555 डीसी मोटर है और एक पंखड़ी हमने इसके अंदर जोड़ रखी है फेविकोल की मदद से। और फ्रेंड आपको और फ्रेंड जैसे कि आप देखते हैं मेरे पे 24 वोल्ट का अडेप्टर है, 32 वोल्ट का सप्लाई देता है। और फ्रेंड हमें टेप की जरूरत पड़ सकती है। फ्रेंड मैं आपको बना के दिखाता हूँ फटाफट से। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको हम हल्का हल्का अंदर मोड़ देंगे जिससे हमारी मोटर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए इसके अंदर। आप देखते हैं मैंने कुछ इस प्रकार से मोड़ दिया इसके अंदर और ये हमारी मोटर इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाएगी। फ्रेंड ज़्यादा कुछ नहीं, हम जो टेप की मदद से बांध देंगे अच्छे से एकदम। तो फ्रेंड मेरी अगली वीडियो आने वाली है और वो वीडियो 15 अगस्त आने वाला है, तो उसी के ऊपर मैंने कुछ अच्छी चीज़ बनाया है, अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देखते हैं अच्छे तरीके से चिपक मेरे टेप की मदद से चिपका दिए इसे और हम इसके अंदर तार जोड़ेंगे सीधा। तो फ्रेंड मेरे पास 24 से लेके 32 वोल्ट तक का अडैप्टर है। तो फ्रेंड इसके अंदर तार लगाता हूँ इसके। तो फ्रेंड मैं इसके अंदर तार लगा देता हूँ। फ्रेंड मैंने इसके अंदर तार जोड़ दिया। फ्रेंड मैं इसके अंदर टेप मार दिया था कुछ इस प्रकार से आपको। फ्रेंड्स जी आप देखते हैं हमारा पंखा बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड मैं इसको चेक करा देता आपको। फ्रेंड चेक कराने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड मैं देता हूँ सप्लाई में से। तो फ्रेंड मैं इसको आपको चला के भी दिखा देता हूँ। चलाने जा रहा हूँ इसे। तो फ्रेंड जी आप देखेंगे कितनी हवा है। फ्रेंड मैं अपने रूम का पंखा बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड जी आप देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है एकदम। तो फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।